हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द विस्कीपीडिया। आई एम योर होस्ट अमित। दोस्तों, आज करेंगे कंपैरिजन 100 पाइपर्स 12 ईयर ओल्ड का और टीचर्स 50 12 साल वाली ए स्टेटमेंट वाली का। दोनों ही एक सेम बजट वाली विस्की है, सेम लेवल पे आती है मार्केट के प्राइस पॉइंट पे। लेकिन भाई, दोनों में से किसको बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या इनकी नोजिंग है, कैसा इनका टेस्ट है, यही सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 100 पाइपर्स 12 ईयर ओल्ड और टीचर्स 50 का मैं डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुका हूँ। अगर किसी ने इनका डिटेल रिव्यू देखना है तो वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 100 पाइपर्स आती है सीग्रम ग्रुप से और टीचर्स 50 आती है बीम संटोरी ग्रुप से। दोनों ही जो ग्रुप हैं, ये वर्ल्ड क्लास विस्की के कारण जाने जाते हैं। दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप 100 पाइपर्स 12 ईयर ओल्ड नॉर्मल किसी वाइन शॉप से लेते हो तो भाई आपको ए स्टेटमेंट मिलेगी 12 ईयर ओल्ड वाली। लेकिन अगर आप टीचर्स 50 किसी भी नॉर्मल वाइन शॉप से लेते हो तो आपको उसके ऊपर ए स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें 100 पाइपर्स आगे रहती है। ये जो बोतल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आर्मी कैंटीन से मंगवाई थी, इसीलिए इसके ऊपर ए स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल वाइन शॉप से लेता तो इसके ऊपर मुझे ए स्टेटमेंट नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस विस्की का। प्राइस की बात कर ली जाए, दोनों एक ही सेगमेंट की विस्की हैं। दोनों पंजाब में 2000 से लेके 2200 की मिल जाती हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि टीचर्स 50 पीछे है किसी भी वजह से। एक पॉइंट है जिसमें टीचर्स 50 आगे निकल जाती है 100 पाइपर से। अगर आप बात करो मॉल्ट कंटेंट की, तो इसमें 100 पाइपर्स 12 ईयर ओल्ड में आपको 15% से लेके 25% तक मॉल्ट विस्की सिर्फ मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करो टीचर्स 50 की, इसमें आपको 50% मॉल्ट विस्की का कंटेंट मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टीचर्स 50 का, जो इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़िया बनाता है। तो अब मैं दोनों को पोर करता हूँ ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। दोस्तों, दोनों ही जो विस्कीज हैं, ये इंडिया में बॉटल की जाती हैं, बाहर से ही इनकी बॉटलिंग होके नहीं आती। और दोनों में जो एल्कोहल स्ट्रेंथ है, ये आपको 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। दोनों में ही एडिट कलर्स डाले गए हैं। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी पोर करता हूँ दोनों को ग्लास में। इतनी देर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। भाई, जैसे ही दोनों को मैंने ग्लास में पोर किया है, काफी अच्छा एक अरोमा दोनों का इस एनवायरनमेंट में मिक्स हो गया है। सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं, कलर कैसा है दोनों का। दोस्तों, अगर कलर की बात करूं तो नोटिसेबल एक डिफरेंस है। जो टीचर्स 50 है, इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क कलर है, थोड़ा सा डार्कर साइड पे है। जो 100 पाइपर्स है, ये थोड़ी सी लाइट कलर में है। बॉडी देख लेते हैं, बॉडी कैसी बन रही है। दोनों की ऑलमोस्ट सेम बॉडी बन रही है, दोनों ही मीडियम से थोड़ी सी थिक लेग्स हैं इनकी। तो अब जल्दी से नोजिंग करते हैं। सबसे पहले करता हूं 100 पाइपर्स की। चीयर्स। वेरी फ्रूटी, जब जैसे ही आप नोज करोगे हनी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रूट्स का काफी अच्छा अरोमा इसमें आ रहा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। वेरी मेलोडोन नोज। अब नोजिंग करता हूं मैं टीचर्स 50 की। चीयर्स। भाई, जैसे ही आप टीचर्स 50 को नोज करोगे, सबसे पहले आपको मिलेगा स्मोक, जो कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों विस्कीज में। इसमें 100 पाइपर में मुझे बिल्कुल भी स्मोक नहीं मिल रहा है, लेकिन टीचर्स 50 बहुत ज्यादा स्मोकी है। काफी अच्छा एक गुड अमाउंट ऑफ स्मोक इसमें आ रहा है।
इसमें भी हनी के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें 50% मॉल्ट विस्की का यूज किया गया तो वो मॉल्टीनेस इसमें आपको नोजिंग में भी फील होगी। तो अब जल्दी से इनका टेस्ट करता हूं। चीयर्स। इसमें आपको 100 पाइपस में एक वुडीनेस मिलेगी, स्पाइसेस मिलेंगे और हनी का काफी अच्छा टेस्ट मिल रहा है। ग्रेन विस्की का काफी टेस्ट इसमें आ रहा है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें मॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा कंपनी ने नहीं रखा। तो अब मैं टेस्ट करता हूं टीचर्स 50 को। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना पैलेट क्लियर कर लेता हूं। चीयर्स। भाई वाह, बहुत ज्यादा डिफरेंस है टेस्ट में। वेरी मॉल्टी, वेरी क्रीमी, स्मोक इतना अच्छे से आ रहा है। इसमें भी एक वुडी टच आपको मिलेगा, लेकिन भाई जो माउथ फील है वो 100 पाइपर से बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी सुपीरियर है पीने में। सुपीरियर ये भी है, लेकिन जब आप उसको पियोगे उसकी जो मॉल्टीनेस है वो आपका माउथ पूरा कवर कर लेगी। काफी अच्छा एक मॉल्टी फ्लेवर उसमें आ रहा है जो पीने में काफी अच्छा लग रहा है। मैंने तो दोनों को ट्राई किया हुआ है, दोनों को पिया है काफी बार, लेकिन भाई मैं सच बताऊं जो टीचर्स 50 की क्वालिटी है वो मुझे पीने में काफी अच्छी लगी। जो उसका मॉल्ट का कंटेंट है वो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देगा पीने में। अगर आपको टीचर्स 50 कहीं से मिलती है ए स्टेटमेंट वाली, तो आप बेझिझक होके उसको बाय कर सकते हो। आपको पीने में निराशा नहीं होगी, बहुत ही प्यारी स्कॉच विस्की है। सिर्फ एक ड्रॉबैक ही मुझे लगता है कि नॉर्मल वाइन शॉप पे भी इसको विद ए स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए, विदाउट ए स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। आपकी कौन सी फेवरेट है दोनों में से, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो पच्ची।